इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो कि पेटीएम से पैसा आप कैसे फ़ोन पे में आप जो कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए इस वीडियो को देख रहे हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है दबा करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सिंपली आपको करना क्या है, जैसे पेटीएम एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे और पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। और मान के जिस भी आपको फ़ोनपे में पैसे को ट्रांसफ़र करना है पेटीएम से, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से फ़ोनपे आप ओपन कर लेंगे। और फ़ोनपे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपको लोगो लगा होगा फ़ोनपे में या प्रोफाइल पिक पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से होगा, नाम से होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड नंबर में माई भीम UPID। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जिस भी फ़ोन पे आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, यानी कि आपका फ़ोनपे आईडी होगा। तो सिंपली आपको करना कि आपका पेटीएम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है पेटीएम एप्लीकेशन को, और यहाँ पे UPI मनी ट्रांसफ़र जो सेकेंड वाला ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर बोला जाता है कि आप जो अपना जो कि UPI आप जो भी आपको मैंने बताया फ़ोन पे में जो शो हो रहा था आपका UPI ID, वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर था और उसके नीचे जो कि कुछ फ़ोन पे का आईडी वगैरह था, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो पे हो गया फिर उसके बगल में एंटर, यहाँ पे जो कि UPI पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा एंटर नाम मोबाइल नंबर योर UPI ID। तो आपको सिंपली क्या करना, जो भी आपका फ़ोन पे मैंने आपको आईडी दिखाया, जिस भी फ़ोन पे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे तो सिंपली उसका जो है कि फ़ोनपे का UPI ID आपको यहाँ पे एंटर करना। तो चलिए मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ, जो भी आपका होगा आप वहाँ पर से देख लीजिएगा। तो उसके बाद सिंपली क्या करना, आईडी एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। और जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, और क्लिक करने यहाँ पे जो कि UPI एंटर करने आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पे अमाउंट जितने रुपये भी आपको ट्रांसफ़र करना है आपको यहाँ पे एंटर जो कि अमाउंट कर देना है। और सिंपली जैसे मैं आपको पिछले वीडियोस में बताया था, यहाँ ट्रांसफ़र फ्रॉम यहाँ पे जो भी आपका बैंक होगा यहाँ पे लिंक होगा पेटीएम से आपको यहाँ शो होगा, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे के ऊपर क्लिक कर देना है। और पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे पिन होगा UPI पिन आपको एंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से पिन एंटर कर लेता हूँ। और पिन एंटर करना है सिंपली आपको यहां से ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको सिंपली यहां प्रोसीड पे जो कि मनी ट्रांसफ़र, अब यहां पे 1 रुपीज़ देख सकते हैं यहां पे जो कि मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं कि यहां पे फ़ोन पे को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर से आप यहां पे जाएंगे स्टोरी में, जो फ़ोन पे की स्टोरी होती है यहां पे आपको दिखा देता हूं कि 1 रुपया जो मैंने अभी सेंड किए हैं वो इंस्टेंट जो है कि मेरे फ़ोन पे अकाउंट में यहां पे जो कि जो मैंने सेंड किया यहाँ पे जो कि 1 रुपया रिसीव जो है कि मनी हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।